इंसानियत के लिए खतरा बने चीन की एक और चालबाजी उजागर हो गई है। ये साजिश है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तबाह करने की। दुनिया के सिर पर मौत बनकर मंडरा रहा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का 18 टन का चीनी कचरा भले ही मालदीव के पास हिंद महासागर में गिर गया हो, भले ही चीन के खौफनाक मंसूबे पर फिलहाल पानी फिर गया हो, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसे जानकर दुनिया सन्न है। जी हाँ, चीन लॉन्ग मार्च 5B के बेकाबू होने की आड़ में अंतरिक्ष युद्ध छेड़ने की फिराक में था। अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि चीन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गिराने की फिराक में था। चीन की मंशा थी कि अमेरिका सहित 19 देश जिस ISS पर अंतरिक्ष में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो धूल में मिल जाए। 21 टन के बेकाबू रॉकेट ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स की भी नींद उड़ा दी थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जिस तरह से कोरोना वायरस को डेवलप करने और उसे बायोलॉजिकल वेपन के रूप में तीसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल करने की चीन की साजिश का खुलासा हुआ है, ठीक उसी तरह इस बात के भी सबूत अमेरिका के हाथ लगे हैं, जिनसे ये साबित होता है कि चीन का बेकाबू हुआ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए बड़ा खतरा था। चीन ने क्लेम किया था कि इस रॉकेट से उसका संपर्क टूट गया है, लेकिन चीन का यही कबूलनामा अमेरिका को शक करने पर मजबूर कर रहा था, क्योंकि चीन जैसा बेहद शातिर और चालबाज मुल्क कैसे इतनी आसानी से कबूल कर गया कि उसका संपर्क उसके रॉकेट से कट गया है। यही बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। लिहाजा अमेरिकी एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर के खगोलविद जोनाथन मैकडावल चीन की चालबाजी का पर्दाफाश करने के लिए लगातार सबूत की तलाश में जुटे हुए थे। लिहाजा जोनाथन, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे चीनी रॉकेट के रास्ते पर नजर गड़ाए हुए थे। ये धरती पर तो गिरने वाला था, लेकिन इसकी सटीक लोकेशन अंत तक पता नहीं लग पा रही थी। इसका कारण था वो तकनीक जिसकी वजह से कथित तौर पर बेकाबू हुए इस रॉकेट को ट्रेस नहीं किया जा सका था। कहा तो ये भी गया कि चीन ने लॉन्ग मार्च 5B को बनाया ही ऐसी तकनीक से था कि कोई भी मुल्क इसे ट्रैक ना कर सके और बेहद खामोशी से ये अपने नापाक इरादों को अंजाम दे दे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन दिखावा करने में कितना बड़ा उस्ताद है। ऐसे में चीन के हाथ कोई उपलब्धि लगे और वो शो ऑफ ना करे, यही बात दुनिया को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये चीन ही था जिसने लॉन्ग मार्च 5B की लॉन्चिंग की तस्वीरों को भारत में कोरोना से हो रही मौत के बाद शवों के दाह संस्कार की तस्वीरों के साथ छाप कर भारत का मजाक उड़ाया था और अपनी तकनीकी दक्षता का ढिंढोरा पीटा था। चीन की ये गिरी हुई सोच दुनिया ने देखी थी और पूरे विश्व ने इसके लिए चीन की निंदा तो की ही थी, चीनियों को राक्षस तक करार दिया था। जोनाथन भी ये सब जानते थे, लिहाजा उन्हें चीनी रॉकेट के बेकाबू होने वाली स्टोरी पर शक था कि हो ना हो इसकी आड़ में चीन कोई ना कोई चाल चलने की फिराक में है। अमेरिकी एस्ट्रोफिजिक्स सेंटर ने चीन की यह चालबाजी पकड़ भी ली। वो लगातार लॉन्ग मार्च 5B पर नजर बनाए हुए था, जिसमें खुलासा हुआ कि चीनी रॉकेट धरती के लिए तो खतरा था ही, उसके निशाने पर हो ना हो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र भी था, क्योंकि यह रॉकेट ISS के महज 300 किलोमीटर दूर होकर गुजरा था। सोमवार को जोनाथन मैकडोवल ने ट्वीट करके कहा कि चीनी रॉकेट धरती की ओर आते समय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बेहद करीब से गुजरा था।